नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज की खास खबर, स्कूलों में सहायक व अनुसेवकों की 50% भर्ती होगी अनुकंपा से। अनुकंपा नियुक्तियों में अड़चनों को की जा रही है दूर। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। शिक्षा विभाग करीब 5600 माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक व अनुसेवक के पदों को सृजन करने जा रही है। यह वे पद होंगे जो अभी खाली है। विभाग की रणनीति है कि प्रत्येक स्कूल में 2 पदों के लिए न्यूनतम 1-1 पद पर नियुक्ति की जाए। इस तरह 11,000 से अधिक पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने मंजूर कर लिया है। हालांकि कैबिनेट से हरी झंडी से पहले यह प्रस्ताव अब वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तैयार ड्राफ्ट में अनुकंपा नियुक्तियां करने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम बनाया जा रहा है कि सृजित किए जाने वाले पदों में अधिकतम 50% पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखा जाए। जैसे ही इस ड्राफ्ट को हरी झंडी मिलती है, प्रदेश में लंबित 2000 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि नए सिरे से पद सृजन करने के लिए पिछले पदों को मरणशील घोषित किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्तियों में अड़चन को दूर करने जा रही है। इस दिशा में निर्णय लिया जा चुका है कि लॉकडाउन के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़े करीब 2000 से अधिक लंबित मामले हैं। बताते चले कि दरअसल विभाग पर अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में 250 से अधिक याचिकाएं भी दाखिल हैं। अनुकंपा नियुक्ति में कार्यालय सहायक पद के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर व इससे कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को अनुसेवक के पद पर रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2017 से अब तक अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगी है। दरअसल RTE एक्ट में प्रावधान किया गया था कि शिक्षक की मृत्यु पर उसी शर्त पर उनके परिजनों को नियुक्ति किया जाएगा जब वह TET या STET उत्तीर्ण हो। अधिकतम मामलों में यह योग्यता आवेदकों में नहीं मिली है। यूं कहा जाए कि बिहार शिक्षा विभाग अब अनुकंपा पर नौकरी देने के लिए खाका तैयार करने में लग गया है। जैसे ही वित्त विभाग से हरी झंडी मिलती है तो कैबिनेट में इसको पास होने के बाद अनुकंपा पर शिक्षकों के परिजनों की नौकरी मिलने की रास्ता साफ हो सकता है। जानकारों के अनुसार लॉकडाउन समापन के बाद शिक्षक के परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है, लेकिन समय का इंतजार करना होगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।